महात्मा गांधी के चश्मे का कितना नंबर था नहीं मालूम, क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क पड़ा? लेकिन हम कौन है इसको यदि हम नहीं जानते तो बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए कोई ऐसे है ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्य यजन्तहा माम उपासते, तो उनकी जो साधना है वो केवल आत्म रूप से अपने आप को पहचानना है। और ये पहचानने की प्रक्रिया कैसी होगी, देखो यदि आंखें अपने आप को देखना चाहती है तो क्या करना पड़ेगा, आंखों को रूप रंग का त्याग करना पड़ेगा। रूप रंग का त्याग कर दिया माने अनात्म भाव निकल गया तो आंखें भी गायब हो गई, फिर क्या बचा, मन बचा। अब ये मन जो है वो अन्य के बारे में ही विचार कर सकता है, अपने बारे में विचार नहीं कर सकता। जैसे आंखें अन्य को देख सकती है स्वयं को नहीं देख सकती, वैसे ही मन हमेशा अन्य के बारे में ही विचार कर सकता है। तो जहां मन को अपने तरफ मोड़ा तो मन भी गायब। अब ये हमारा जो अनुभव है ये मन के माध्यम से नहीं है, और इसलिए इस ज्ञान का अभिमान नहीं हो सकता। तो यदि अल्टीमेटली हम इंद्रिय मनबुद्धि के प्रकाशक इसके परे है तो क्या साधना करनी पड़ेगी, अपनी इंद्रिय मनबुद्धि को ज्यादा लाड़ प्यार मत करो, तब जा करके सूक्ष्मता से हम स्वरूप को पहचान लेंगे। उसी में आता है कि जैसे वेदांत में बताते हैं नेति नेति थी वाक्यतः, ये नहीं वो नहीं सबका त्याग करते 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 ऐसे स्थान पर पहुंचो जिसका त्याग नहीं हो सकता, अहेयम अनुपादेयम। अब इसको कैसे, केनोपनिषद में इसका विषय आता है, अपने स्वरूप को किस प्रकार से पहुंचना है, ज्ञान यज्ञ की बात हो रही है। वहां गुरु महाराज बताते शिष्य को कि तुम्हारी इंद्रिय मन बुद्धि वहां काम नहीं करते, तो फिर मैं तुमको कैसे बताऊं, तुम्हें बता नहीं सकता। तो शिष्य कहते हैं नहीं नहीं महाराज ऐसा मत करो, हम इतना परेशान होके यहां आए आपके तो बता नहीं सकते, आपके तो गुरु ने आपको कुछ बताया होगा ना। बोले हाँ वो बता सकते हैं, बोले बताओ। फिर गुरु महाराज कहते हैं अन्य देव तद विदितात अथ अविदितात अधि, क्या है ये नहीं बताया, वह ज्ञात और अज्ञात इनसे परे है, ज्ञात और अज्ञात इनसे परे है। अब क्या ज्ञात है हमको, हमको गुजराती आती है, भगवान गुजराती नहीं है, हमको बंगाली नहीं आती तो कोई बात नहीं, भगवान बंगाली भी नहीं है। देखो धीरे धीरे ले जा रहे हैं आपको, हमको जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था ज्ञात रूप से होती है, मैं इसको जानता हूं इसको जानता हूं इसको जानता हूं, सुषुप्ति में कुछ नहीं जानता हूं। तो ज्ञात और अज्ञात के परे माने क्या, जागृत स्वप्न सुषुप्ति इनके परे है। ज्ञात होता है कार्य, अज्ञात होता है कारण। हम डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो उसके सिम्टम बताते हैं ना, सिम्टम ज्ञात है, जानते हैं यहां दर्द हो रहा है, फिर डॉक्टर उससे कारण निकालता है, ये कारण है जो अज्ञात था। तो जो ज्ञात अज्ञात के परे है माने क्या, जो कार्य कारण के परे है। कार्य कारण कैसा होता है, कार्य हमेशा बाद में होता है, कारण पहले होता है। जो बाद में है वो भविष्य है, जो पहले है वो भूत है। माने अन्य देवता विदितात अथ अविदितात अधिका अर्थ हो गया, यह देश काल वस्तु कार्य कारण इन सब के परे है। अब विचार करके देखो जिसमें कार्य कारण नहीं होना चाहिए, अब और तब नहीं होना चाहिए,
यहां और वहां नहीं होना चाहिए, ज्ञान और अज्ञान नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं ज्ञान यज्ञे न चाप्यन्ते यजन्तः माम उपासते। और यह ज्ञान की साधना वही कर सकता है जो दुनिया से काफी मात्रा में उपरत हो गया है। अब जिसके दिमाग में यही चलते रहता है कि बच्चे ऐसे बूढ़े जाएंगे, ठीक है यार तुम जाकर के घंटी बजाओ कहीं शांत हो जाओ, तो ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजन चाप्यन्ते यजन्ता माम उपासते एकत्वेन पृथक्वेन। अब यहां भी दो प्रकार के साधक बताते हैं, या तो परमात्मा को अपने से अन्य मान करके भगवान की पूजा करो पोथी करो, या एकत्वेन परमात्मा के साथ एक बैठ करके रहो। माने क्या, हमको हट जाना है, प्रभु को प्रकट होने देना है। देखो हमारे लखनऊ में एक इमाम बाड़ा है, भूल भुलैया कहते हैं उसको, पहले कोई वहां रहता था नवाब, जब पार्टीशन हो गया तो वहां से निकल गया, वो पूरा का पूरा खाली हो गया, फिर वो गवर्नमेंट ने ऑक्युपाई कर लिया। इसी प्रकार से जब हम खाली कर देते हैं तो प्रभु ऑक्युपाई कर लेते हैं। अपने आप को हट जाना है। देखो तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, परमात्मा प्रकट होता है। प्राप्ति किसकी होगी, जो नहीं है उसकी। देखो प्राप्तस्य प्राप्ति, केवल हमने अपने हृदय में विराजमान परमात्मा उसको प्रकट नहीं होने दिया, बाकी कुछ नहीं है। इसीलिए एकत्वेन पृथक्वेन बहुधा विश्वतो मुखम, या तो भिन्न भिन्न प्रकार से, जैसे एक भगवान रमण महर्षि कहते हैं जगत ईषधि युक्त सेवनम, इस संपूर्ण जगत का ये भगवान का ही रूप है, इस प्रकार से सेवा करना ये भी ज्ञान यज्ञ है। देखो वहां कहते अष्टमूर्ति भृत देव पूजनम, भगवान की आठ मूर्तियां है, पांच मूर्तियां तो पंच महाभूत हो गए, छठवीं मूर्ति है चंद्रमा, सातवीं है सूर्य भगवान, और आठवीं है जीव मात्र, इन सब की सेवा करना यही ज्ञान यज्ञ है।